एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या एक कॉइन के लॉस को दूसरे कॉइन के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है? बिटकॉइन के लॉस को इथेरियम के प्रॉफिट के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉइन गब्बर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस साल फरवरी 2022 में जब बजट आया तो क्रिप्टो असेट्स के इन्वेस्टर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई कि सरकार ने तय किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 से, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद से, क्रिप्टो असेट्स में इन्वेस्ट करने पर होने वाले प्रॉफिट पर सरकार ने कहा कि हम 30% टैक्स लगाएंगे। एक नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया गया जिसका नंबर है 115BBH। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सरकार ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स, जिसका मतलब हम मान सकते हैं क्रिप्टो असेट्स, कि ट्रांसफर पर होने वाली इनकम पर आपको 30% का टैक्स देना है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो 30% टैक्स दे दूंगा। फिर जब मैंने सरकार से आगे पूछा कि क्या मुझे अगर इस क्रिप्टो असेट को बेचने पर लॉस हो जाए तो क्या आप मुझे कुछ रिलीफ दोगे, क्या कोई एडजस्टमेंट प्रोवाइड करोगे? क्योंकि मैंने सरकार को कहा कि अगर मुझे रिलायंस के शेयर बेचने पर लॉस होता है और टाटा के शेयर बेचने पर प्रॉफिट होता है तो सरकार मुझे वहां रिलैक्सेशन देती है अभी के इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। और फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक कंपनी के शेयर बेचने पर 1 लाख का लॉस हुआ और दूसरी कंपनी के शेयर बेचने पर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मुझे टैक्स केवल 4 लाख पर देना होता है। मैंने यही बात जब सरकार से पूछी, बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, जब मैंने ये बात सरकार से पूछी, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी भी तरह का सेट ऑफ प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर लॉस हो जाए तो हम सेट ऑफ नहीं देंगे। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 115BBH के सबसेक्शन 2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में प्रोविजन ऐसा आ चुका कि एक कॉइन का लॉस दूसरे कॉइन के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा, या यहां अभी भी सेट ऑफ करने की कुछ गुंजाइश है। इसी बात के लिए हमारा आज का वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं और किस कारण से ये सेट ऑफ अलाउ होना चाहिए। दोस्तों, जब आप सेक्शन 115BBH के सबसेक्शन 2 को पढ़ेंगे, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि हम सारे ही क्रिप्टो इन्वेस्टर इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आपको बहुत आसान सी भाषा में सब बातें बताने की कोशिश करूंगा। 115BBH का सबसेक्शन 2 वो यहां से स्टार्ट होता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस एक्ट के किसी भी सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, ये जो हम आगे लिख रहे हैं वो उन सारे प्रोविजंस के ऊपर प्रिवेल करेगा। ठीक है, क्या लिखा, क्या प्रिवेल करेगा? इन्होंने उसके आगे लिखा कि हम किसी भी तरह की डिडक्शन, किसी भी तरह का सेट ऑफ जो आपको इन असेट से होगा उसको अलाउ नहीं करेंगे। किसी भी तरह का लॉस आपको इन क्रिप्टो असेट्स को बेचने पर हुआ, हम उसे अलाउ नहीं करेंगे इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो आप कह रहे हो रोहित, यही तो बात क्लियर हो गई ना फिर कि कोई एक कॉइन का हुआ लॉस हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, सेक्शन को लॉ की तरह से ही पढ़ना चाहिए। लॉ की इंटरप्रिटेशंस के तरीके कुछ अलग होते हैं। 115BBH सबसेक्शन 2 ने कहा कि आगे जो लिखा है वो पूरे इनकम टैक्स के दूसरे सेक्शंस के ऊपर प्रिवेल करेगा। अब दोस्तों, मैं आपको यहां टेक्निकल बात आसान सी भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ मींस इसी साल का लॉस इसी साल के किसी प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाए, और कैरी फॉरवर्ड मींस इस साल का लॉस अगर इस साल के किसी प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्रॉफिट नहीं थे तो अगले साल जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को लेकर कुछ सेक्शन है, सेक्शन 70 to सेक्शन 79। अब दोस्तों, जब हम उन सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां बताया हुआ है कि दो तरह के सेट ऑफ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। दो तरह के सेट ऑफ का ट्रीटमेंट वहां सिखाया हुआ है, इंट्राहेड एंड इंटरहेड सेट ऑफ। जबकि दोस्तों, सेट ऑफ 3 तरह के होते हैं, इंट्राहेड सेट ऑफ, इंटरहेड सेट ऑफ एंड इंट्रा सोर्स सेट ऑफ। इंट्राहेड सेट ऑफ का मतलब है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम एडजस्ट कर लें। हेड एक ही है कैपिटल गेन, लेकिन हेड में दो पार्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म से लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म में गेन हुआ, हम एडजस्ट कर सकते हैं। यह है इंट्राहेड सेट ऑफ। एक होता है इंटरहेड सेट ऑफ।
कि सैलरी वाले इनकम वाले व्यक्ति को, सैलरी की इनकम जिस व्यक्ति को हो रही है, जॉब करता है वो, उस व्यक्ति को अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो जाए तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है। ये कहलाता है इंटरहेड सेट ऑफ। दोस्तों अब तीसरा सेट ऑफ आता है इंट्रा सोर्स। सोर्स एक ही है, किराने की दुकान वाला शक्कर बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है, गुड़ बेचकर लॉस कमा रहा है। इस लॉस को आप सेट ऑफ कैसे करोगे? ये इंट्रा सोर्स है, इंटर हेड है या इंट्रा हेड है? दोस्तों ये है इंट्रा सोर्स, क्योंकि सोर्स एक ही है, वो किराने की दुकान। हेड है बिजनेस प्रोफेशन, बट सोर्स एक ही है, किराने की दुकान। अब ये बहुत नेचुरल सी बात है कि एक सोर्स के उसी लॉस को उसी सोर्स के दूसरे प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए इनकम टैक्स कोई बात नहीं करता, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि इंट्रा सोर्स सेट ऑफ आर इनहेरेंट इन द लॉ, वो लॉ में ऑटोमेटिकली है। अब आप कहोगे ये तुमने कैसे बोल दिया, ये मैं अपनी अपना फंडामेंटल तो क्लियर कर ही रहा हूं कि ये तो बहुत बेसिक सी बात ही होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने बहुत से जजमेंट में कहा गया कि इंट्रा सोर्स सेट ऑफ के लिए आपको कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरेंट है। इट मींस इंट्रा सोर्स सेट ऑफ को कभी भी इनकम टैक्स मना नहीं कर सकता, और अगर करना है तो आप अलग से प्रोविजन बनाए, अभी कोई मना किया हुआ नहीं है। इंट्रा सोर्स सेट ऑफ नेचुरली अलाउ होते हैं। अब दोस्तों 72-79 केवल किसकी बात करता है? इंट्राहेड एंड इंटरहेड सेट ऑफ की, इंट्रा सोर्स की वो बात ही नहीं करता। इट मींस 115 बीबीएच का सबसेक्शन 2 कभी भी इंट्रा सोर्स सेट ऑफ के ऊपर प्रिवेल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कहा इनकम टैक्स के प्रोविजंस के ऊपर प्रिवेल करेगा। इंट्रा सोर्स सेट ऑफ का प्रोविजन इनकम टैक्स में कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब इस चीज के ऊपर आप प्रिवेल कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये पहला रीजन है जिस वजह से इंट्रा सोर्स सेट ऑफ मना नहीं किया जा सकता, और दूसरा रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिस वजह से इंट्रा सोर्स सेट ऑफ को इनहेरेंट माना जाता है, और तीसरा रीजन ये कोई सेट ऑफ नहीं है, मैं तो इसे सेट ऑफ भी नहीं बोलता हूं। किराने की दुकान में शक्कर बेचने से हुआ लॉस गुड़ बेचने के हुए प्रॉफिट से एडजस्ट करना, ये कोई सेट ऑफ थोड़ी है, ये तो प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका है। किराने की दुकान वाला जब शाम को घर जाता होगा तब अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली शक्कर का लॉस गुड़ के प्रॉफिट से वो एडजस्ट कर ही लेगा ना। तो ये सोर्स के इनकम में अपने आप हुआ एडजस्टमेंट है, और ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन का ही एक तरीका है, ये तो कंप्यूटेशन का ही सब्जेक्ट मैटर है, ये कोई सेट ऑफ नहीं है। और इसीलिए हमारा ओपिनियन है कि बिटकॉइन का लॉस, एक कॉइन का लॉस आप दूसरे कॉइन से बिना किसी टेंशन के सेट ऑफ करें। अगर किसी इन्वेस्टर को एक कॉइन से 5 लाख का लॉस होता है और दूसरे कॉइन से 8 लाख का प्रॉफिट होता है, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में केवल 3 लाख रुपए की इनकम दिखाए क्रिप्टो असेट्स की और उस पर 30% टैक्स दे दे, हमारा ओपिनियन यही कहता है। दूसरी बात, फिर आप आर्ग्यू करेंगे कि फिर एक्ट में ऐसा क्यों लिखा कि हम सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों उसका भी एक रीजन है, अगर पूरे सोर्स में ही लॉस है, एक कॉइन पर 4 लाख का लॉस, दूसरे कॉइन पर 3 लाख का लॉस, अब आपको कहीं और प्रॉफिट है ही नहीं, तो अब ये जो ओवरऑल आपका 7 लाख का लॉस हो चुका है, ये किसी भी तरीके से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक कॉइन का प्रॉफिट है तो उसको आप दूसरे कॉइन के लॉस को पहले प्रॉफिट में से माइनस कर ले, बचे हुए पर आप टैक्स दें। कॉइन गब्बर की एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि इंट्रा सोर्स सेट ऑफ इनहेरेंट है लॉ में, ऑटोमेटिकली मिलता है, इसलिए ये जो 115 बीबीएच का सबसेक्शन 2 है ये भी उसके ऊपर प्रिवेल नहीं कर पाएगा, इसलिए बिना किसी टेंशन के आप बिल्कुल अपने लॉस को सेट ऑफ करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये पूरी एडवाइस बहुत पसंद आई होगी। मैं ये भी मानता हूं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी ये हमारी ओर से एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको हमारा ओपिनियन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शंस। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए।